सो गाइज, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि गाइज आज की वीडियो में आलोक स्क्लाइलर के एंड क्रोनो गाइज इन चारों कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि वो इज बेस्ट। गाइज इन चारों कैरेक्टर में से कौन है बेस्ट बेस्ट गाइज, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सवाल आ ही जाता है, क्योंकि गाइज हमें जब भी इन चारों में से कोई भी कैरेक्टर परचेस करना होता है ना, तब हम सोचते हैं कि इन चारों में से किस कैरेक्टर का एबिलिटी अच्छा होगा एंड किस कैरेक्टर को हम लोग परचेस करें। सो गाइज ये डाउट आपका आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा एंड आप लोग किस कैरेक्टर को परचेस करोगे तो वो कैरेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। सो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस चलो बिना देर लगा तो वीडियो को कर लेते स्टार्ट। सो गाइस पहले नंबर पे हम बात करें तो आलोक कैरेक्टर। सो गाइस आलोक कैरेक्टर फ्री फायर का सबसे फेमस कैरेक्टर आलोक है। गाइस आज भी तुम लोग YouTube पे देखो या फिर कहीं भी गिव अवे में देखो तो गाइस आलोक का गिव अवे चल रहा होता है। एंड गाइस आलोक फेमस भी है एंड गाइस साथ ही के साथ में आलोक का एबिलिटी भी बहुत रेयर है। सो आलोक की एबिलिटी के बारे में बात करें तो जिस टाइम भी हम लोग आलोक की एबिलिटी ऑन करते तो गाइस हमारा 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देते हैं। एंड गाइस जिस टाइम भी हमारा एचपी लूज होता है तो गाइस 1 सेकंड के अंदर हमारा 5 एचपी रिकवर करता है। इस तरीके से गाइस 50 एचपी रिकवर करेगा। गाइस आलोक कैट के साथ जो 15% मूवमेंट स्पीड है ना गाइस, वही एबिलिटी गाइस आलोक को बेहतरीन बनाती है। गाइस एंड गाइस 15% मूवमेंट स्पीड ना आपका 10 सेकंड के लिए बढ़ेगा, मतलब कि 10 सेकंड तक एबिलिटी रहेगा, 10 सेकंड तक आपका 50 एचपी रिकवर करेगा एंड 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देगा। सो गाइस इस तरीके से आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ाएगा एंड इस तरीके से आपका एचपी रिकवर करेगा। एंड गाइस आलोक ना गाइस जो स्किल क्रिएट करता है ना, उसमें गाइस अगर आपके साथ टीममेट भी होगा ना तो गाइस उसका भी एचपी रिकवर करेगा। बस गाइस ये था आलोक कैरेक्टर का एबिलिटी। एंड दूसरे नंबर पे हम बात करें तो स्क्लाइलर। सो गाइस हम लोग ना स्क्लाइलर का स्किल जब भी मारते हो गाइस सामने वाले एनिमी का ग्लू वॉल तोड़ देता है। एंड गाइस वो ग्लू वॉल 80 मीटर के नजदीक होगा ना उसी टाइम तोड़ेगा। अगर 80 मीटर से दूर ग्लू वॉल होगा तो उस टाइम स्क्लाइलर का स्किल आप लोग जब भी मारोगे तो ग्लू वॉल नहीं टूटेगा। एंड गाइस जब भी हम एक ग्लू वॉल डालते तो गाइस हमारा 9 एचपी रिकवर करता है। गाइस पहले 8 एचपी रिकवर करता था बट जैसे जैसे अपडेट आते रहे वैसे वैसे एबिलिटी चेंज होता रहे। एंड गाइस अभी जब भी हम ग्लू वॉल डालते तो गाइस एक ग्लू वॉल पे 9 एचपी रिकवर करता है स्क्लाइलर कैरेक्टर। एंड गाइस स्क्लाइलर कैरेक्टर कूल डाउन 40 सेकंड में होता है। गाइस यही गाइस स्क्लाइलर को बेहतरीन बनाते हैं, क्योंकि गाइस स्क्लाइलर का एबिलिटी रेयर है एंड साथ ही में कूल डाउन समय बहुत ही कम है, इसीलिए गाइस बहुत सारे बंदे स्क्लाइलर को यूज करना पसंद करते हैं। एंड गाइस स्क्लाइलर कूल डाउन 40 सेकंड में होता है बट गाइस जिस टाइम भी आप लोग ग्लू वॉल डालोगे ना तो अनलिमिटेड आपका 9 एचपी एक ग्लू वॉल पे रिकवर करता रहेगा। बट गाइस 40 सेकंड के बाद आप लोग किसी भी एनिमी का ग्लू वॉल तोड़ पाओगे, इसीलिए गाइस कूल डाउन समय वहां पे काम करेगा। बट जब भी आप ग्लू वॉल डालोगे तो आपका 9 एचपी रिकवर करता ही रहेगा अनलिमिटेड। सो गाइस तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं क्रोनो कैरेक्टर की। सो गाइस क्रोनो कैरेक्टर जब न्यू आया था उस टाइम गाइस फ्री फायर में धूम मचा दिया था। गाइस क्रोनो कैरेक्टर आते ही बहुत पॉपुलर हो गया था एंड गाइस क्रोनो कैरेक्टर का एबिलिटी भी बहुत ही रेयर था, क्योंकि गाइस जिस टाइम भी हम लोग क्रोनो का एबिलिटी ऑन करते थे गाइस कुछ शील्ड गाइस शील्ड क्रिएट होता था एंड हम लोग उस शील्ड में रहते थे एंड हमें डैमेज नहीं पड़ता था। एंड गाइस उस शील्ड में रह के हम किसी भी एनिमी को मार सकते हैं। एंड गाइस साथ ही साथ हमारा जब भी हम क्रोनो का एबिलिटी ऑन करते थे एंड हम लोग जब भी रन करते तो गाइस हमारा मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ा देता था क्रोनो कैरेक्टर। बट गाइस अब क्रोनो का एबिलिटी 30 हो गया है पूरी की पूरी तरह, क्योंकि गाइस अब ना क्रोनो का एबिलिटी जिस टाइम भी आप लोग ऑन करोगे शील्ड तो क्रिएट होगा बट गाइस आपको ही डैमेज नहीं पड़ेगा, आप लोग किसी भी एनिमी को शील्ड से नहीं मार सकते हो, उल्टा शील्ड से आप लोग किसी भी एनिमी को मारोगे तो आपका ही शील्ड टूट जाएगा एंड मूवमेंट स्पीड भी अब नहीं बढ़ाता क्रोनो कैरेक्टर। इसीलिए गाइस दो तरीके से 30 बनाया क्रोनो कैरेक्टर का एबिलिटी। सो गाइस क्रोनो कैरेक्टर का एबिलिटी 30 है एंड गाइस ऊपर से कूल डाउन समय ना बहुत है, क्योंकि आज 180 सेकंड कूल डाउन टाइम है गाइस क्रोनो के साथ, इसलिए कोई भी बंदा क्रोनो को यूज करना पसंद नहीं करता, क्योंकि गाइस कूल डाउन समय ना गाइस 3 मिनट का कूल डाउन समय एबिलिटी 30 जैसा एंड कूल डाउन समय ज्यादा एंड ड्यूरेशन टाइम सिर्फ 6 सेकंड तक, मतलब गाइस 6 सेकंड तक आप लोग एबिलिटी ऑन करोगे ना तो अंदर रहोगे तब तक आपका क्रोनो नहीं टूटेगा, आपका शील्ड होता है ना वो नहीं टूटेगा, उसके बाद अपने आप टूट जाएगा क्रोनो का शील्ड। इसीलिए गाइस क्रोनो को आप लोग परचेस मत करना गलती से भी, क्योंकि गाइस क्रोनो का एबिलिटी ना आप बिल्कुल ही रेयर नहीं है, 30 जैसा बन चुका है क्रोनो का एबिलिटी। हम बात करें तो चौथे नंबर पे क्या कैरेक्टर। सो गाइस क्या कैरेक्टर एक एचपी किंग माना जाता है फ्री फायर का, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि गाइस अनलिमिटेड एचपी देता है क्या कैरेक्टर। एंड गाइस किस तरीके से देता है मैं आपको बताता हूं। सो पहले तो जिस टाइम भी आप लोग क्या को जिस किस गेम में भी आप लोग यूज करते हो ना उस गेम में गाइस आपका मैक्सिमम ईपी जो होता है ना वो 250 ईपी हो जाएगा। गाइस मैक्सिमम ईपी एंड एचपी हमारा 200 ही होता है, ये तो आपको पता होगा। बट जिस गेम में भी आप लोग क्या कैरेक्टर को यूज करोगे ना उस गेम में आपका मैक्सिमम ईपी 250 हो जाएगा। एंड गाइस क्या कैरेक्टर ना ईपी से एचपी कन्वर्ट करता है, जिस टाइम भी आपका एचपी लॉस होगा एंड आपको एबिलिटी ऑन करते हो ना तो गाइस 1 सेकंड के अंदर 5 ईपी एचपी में कन्वर्ट करेगा, वो भी अनलिमिटेड, जब तक आपका हेल्थ फुल नहीं हो जाएगा तब तक ईपी से एचपी कन्वर्ट करता रहेगा क्या कैरेक्टर। एंड गाइस क्या कैरेक्टर खुद ईपी भी बनाता है, 1 सेकंड के अंदर 3 ईपी बनाएगा, उस तरीके से क्या कैरेक्टर ईपी भी बनाएगा। अगर आपके
पास मैक्स लेवल तक अपग्रेड किया हुआ नहीं होगा तो गाइस 1 सेकंड के अंदर 3 ईपी नहीं बनाएगा। बट अगर आपके पास मैक्स लेवल तक अपग्रेड किया हुआ होगा ना तो गाइस 1 सेकंड के अंदर 3 ईपी बनाएगा एंड 1 सेकंड के अंदर 5 ईपी एचपी में कन्वर्ट करेगा। गाइस क्विकेट के साथ ना दो मोड है, मतलब एक मोड पे जब भी आप रखोगे तो आपका ईपी बनेगा, 1 सेकंड के अंदर 3 ईपी बनेगा, उस तरीके से ईपी बनेगा। एंड जब भी आप दूसरे मोड पे बदलते हो तो ईपी से एचपी कन्वर्ट करेगा अगर आपका एचपी लूज होगा। अगर आपका एचपी लूज नहीं होगा ना फिर भी गाइस एबिलिटी तो ऑन ही रहेगा। जिस टाइम भी आपका एचपी लूज हो जाएगा ना उस टाइम ऑटोमेटिकली ईपी से एचपी कन्वर्ट होने लगेगा। गाइस तो गाइस ये था चारों कैरेक्टर का एबिलिटी। एंड गाइस अब बात करें तो चारों में से कौन रेयर है एंड किसको लेना चाहिए, गाइस आपको किस कैरेक्टर के पीछे आपका डायमंड लगाना चाहिए। सो गाइस अगर आप लोग सर्वाइव करना चाहते हो एंड अगर आप लोग रैंक प्लेयर हो ना तो गाइस आपके लिए क्या कैरेक्टर बेस्ट है, क्योंकि गाइस क्या कैरेक्टर एचपी किंग है, अनलिमिटेड हमें हेल्थ दे सकता है। इसीलिए गाइस आप लोग रैंक प्ले करना पसंद करते हो ना तो वहां पे आप लोग गाइस क्या को यूज करना है। एंड गाइस अगर आप लोग क्लिस को या फिर रस गेम प्ले कर दो ना तो गाइस आपके लिए बेहतर है गाइस आलोक। बट गाइस क्रोनो को गलती से भी परचेस मत करना, क्योंकि गाइस क्रोनो का एबिलिटी बिल्कुल ही खराब है। एंड गाइस क्लाइलर को भी आप लोग परचेस कर सकते हो, बट गाइस मैं तो कहता हूं आलोक या फिर के, इन दोनों में से एक को परचेस करोगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। सो गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि चारों में से कौन था रेयर। सो गाइस आप लोग कौन से कैरेक्टर को यूज करना पसंद करते हैं वो मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना। सो चलो गाइस बाय बाय।